विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। भंडासुर का अंत मेरे आविर्भाव का एकमात्र उद्देश्य नहीं, वो तो आरंभ उस चलता है कि भाव के समूल अंत का, जिसने समस्त जगत को दूषित किया है। और पुत्र गणेश मेरे प्रत्यक्ष रूप में संसार को मेरे दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तो तुम ही बने हो, तुम्हारे ही कारण मेरे श्री भवन और मेरे चिंतामणि सिंहासन व्यक्त रूप में अपना अस्तित्व भी प्राप्त किया। इसीलिए अब तुम्हारे ही माध्यम से संसार में विशेष सेना सेनापतियों और उन रथों का परिचय प्राप्त करेगा जिनकी रचना मैं अब करने जा रही हूँ। जी माता। शिव दूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके। मेरे ये भयानक असुर जिन्हें स्वयं मैंने रचा है, अपने एक ही चरण के तले संपूर्ण सेना को कुचल देंगे। मात्र कोई भी शेष नहीं रहेगा इनके समक्ष। रक्त चाहिए, रक्त लाओ, भोजन, भूख लगी है मुझे, भोजन दो, भोजन। जो अधिक कुछ किए बिना इतना भयंकर कंपन उत्पन्न कर रहे हैं वो अवश्य ही विनाशकारी होंगे। गुरुदेव, अब विश्वास हुआ आपको कि जो मेरा संकट बनने आएगा उसकी मृत्यु का घोर संकट तो उसी पर ही छाएगा। कैसी ध्वनि है, बंद करो इसे, ये मुझे नहीं भा रही। कैसा शंखनाद है ये जो मेरे इन असुरों को विचलित कर रहा है। विशेष सेना और रथों को उत्पन्न करने हेतु श्री माता ललिता ने अब अपनी योद्धा स्वरूप देवियों को उत्पन्न किया है। उनके दाहिनी ओर है माता मंत्रीनाथा, जिनसे मंत्रणा कर श्री माता ललिता युद्ध का संचालन करेंगी। और माता की बाईं ओर है वरामुखी माता दंडीनाथा, श्री माता ललिता की सेनापति। चक्र, ये दिव्य चक्र तो देवी शक्ति के प्रतीक है। वो शक्ति जिसका न कोई आदि है न अंत है। कदाचित वो समय आ गया है जिसका संसार साक्षी बनेगा कि परम माता
श्री माता ललिता की अनंत शक्ति का छोटा सा भाग भी कितनी अपार शक्ति उत्पन्न कर सकता है। श्री माता ललिता की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न देवी चक्र श्री चक्र है, जो अब उनका श्री चक्र राजरथ का रूप धारण कर रहा है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का प्रथम पर्व है, जो 8 सिद्धि, 8 शक्ति और 10 मुद्रा देवियों का स्थान है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का दूसरा पर्व 3 कृपाणिका देवियों और उनकी सेना का स्थान है, और तीसरे पर्व पर 8 रहस्य योगिनियां और उनकी सेना विराजमान है। चौथे पर्व पर 10 निगर्भ योगिनियां स्थित होती हैं। पांचवा पर्व 10 कुलोत्तरिणा देवियों के लिए निर्धारित है। छठा पर्व 12 संप्रदाय शक्तियों का नियत स्थान है। सातवां पर्व 6 गुप्त देवियों का स्थान है। आठवां पर्व 16 चंद्रमा काल रूप गुप्त देवियों का स्थान है। और इन सभी पर्वों से ऊंचा स्वयं प्रभु भैरव द्वारा रक्षित नवा पर्व, वो पर्व है जहां स्वयं श्री माता ललिता विराजमान रहती हैं। दाई ओर माता मंत्री नाथा का गे चक्र राजरथ है, जिसका फैलाव 7 योजन के क्षेत्र में है, जिसके 7 पर्व हैं और जिसके सारथी हसंतिका देवता हैं। और बाई ओर माता दंडी नाथा का क्री चक्र राजरथ है, जो 6 योजन ऊंचा है और जिसके 6 पर्व हैं और सारथी है देवी स्तंभिका। इनमें 16 वाम देवियां, 6 दंडनी देवियां और 80 टांग जैसे भैरव स्थित है। युद्ध का शंखनाद था ये। माता ललिता ने इस शंखनाद से युद्ध के आरंभ की घोषणा की है। अब किसी समय भी अमरपुर पर उनका आक्रमण हो सकता है। युद्ध का आरंभ किया है उन्होंने, तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि असुर महानायक भंडासुर भी उन्हें उत्तर देने के लिए तत्पर है। Thank you.
असुरों के महानायक भंडासुर को प्रणाम। मेरी ओर से युद्ध की घोषणा करो। इस भयंकर हुंकार का स्वर तो अमरपुर अथवा उसके निकट से ही आता प्रतीत हो रहा है। यह असुरी हुंकार तो इसी बात का संकेत है कि उस दुष्ट भंडासुर को अपनी भयंकर नियति से भेंट करने की अत्यंत शीघ्रता है। अवश्य। प्रणाम माता। अब भंडासुर को ज्ञात होगा कि किस प्रचंड शक्ति के रूप में उसका विनाश उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक से पक्षी यहाँ क्यों मंडराने लगे? मृतकों के शरीर में अपना आहार ढूंढने वाले ये पक्षी अवश्य उस भोजन के लिए प्रस्तुत हुए हैं जो हम उस नारी और उसकी सेना कांत करने के उपरांत इनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नहीं, अपशकुन है ये। घोर अपशकुन है हमारे लिए। घोर अपशकुन है हमारे लिए। घोर अपशकुन है हमारे लिए। ये दूसरा अपशकुन है। ये और भी बड़े संकट का संकेत है। इन संकेतों को सहजता से लेने की भूल मत करो भंडासुर। ये अपशकुन है, इस चेतावनी को समझो। कदाचित तुम्हारे ये महासुर पर्याप्त नहीं है, इसलिए शीघ्रता कर किसी अभेद्य योजना का निर्माण करना होगा जो इस युद्ध के परिणाम को तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु हमें किसी विशेष योजना की कोई आवश्यकता नहीं। मात्र एक नारी अपनी सेना के साथ यहाँ बढ़ रही है और हम सब मिलकर उस पर इतना विचार कर रहे हैं। ये हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर को कदापि शोभा नहीं देता। मेरा सुझाव है, आप अपने नसुरों को मुक्त कर दीजिए जो पल भर में उस सेना को रौंद कर रख देंगे। Thank you.
माता के कथन के अनुसार अब तक तो भंडासुर को इसका आभास हो गया होगा कि उनकी सेना अमरपुर की ओर बढ़ रही है। पुत्र गणेश। जी प्रभु। इन तीनों रथों के आगे बढ़ने का आभास मात्र भंडासुर को ही नहीं अपितु समस्त जगत को हो गया होगा। हाँ ब्रह्मदेव, अद्भुत दृश्य है। तीनों विशाल रथ एक साथ गतिमान हो रहे हैं। चाहे वह संसार की कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, मुझे और मेरे राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शत्रु और उसकी सेना के अस्त्र शस्त्र के बल के भेद को ज्ञात किए बिना हमें अपने अस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए। उनके सभी गुप्त भेद ज्ञात करने हेतु तत्काल एक गुप्तचर भेजो। गुप्तचर? चित्कार की ध्वनि तो हमारी माता की प्रतीत होती है। हमें भवन में चलकर देखना चाहिए। हाँ, ये हमारी सुहाग का प्रतीक, हमारे सिंदूर का रंग स्याह कैसे हो गया? क्या हुआ है? असुरराज, ये कैसा अनर्थ हुआ है यहाँ? सर्वप्रथम हम सबकी मांग का सिंदूर स्वतः ही स्याह हो गया और अब हमारे मंगलसूत्र भी टूटकर बिखर गए। ये अपशकुन तो और भी बड़े अनिष्ट का संकेत है भंडासुर। असुर गुरु, ये किस अनिष्ट की बात कर रहे हैं असुरराज? किस दुर्भाग्य की पूर्व सूचना है ये? माता पराशक्ति की जय! माता पराशक्ति की जय! माता पराशक्ति की जय! शीघ्र ही असुर महासभा हेतु सभी असुर महामंत्रियों और सेनापतियों को प्रस्तुत करो। निश्चिंत रहिए असुर गुरु, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं। जो भी माता पराशक्ति के मार्ग की बाधा बनेगा, इन्हें रोकने का प्रयास करेगा, वो स्वयं अपने अंत को आमंत्रित करेगा। अपने पराक्रम से हमने देवराज इंद्र को पराजित किया है। एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में आपका आधिपत्य स्थापित किया है। हमारे समक्ष ये अकेली नारी उस दुर्बल गिलहरी के समान है जो मूर्खतावश किसी विशाल काय गज को चुनौती दे बैठी है। वो अकेली नहीं है, नाम असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है। सूचना दी है कि एक नहीं तीन रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। अब भंडासुर जानेगा नारी की वास्तविक शक्ति जब उसका संहार करेगी माता पराशक्ति। कितना भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म की एक ही ललकार उसे विचलित करने के लिए पर्याप्त होती है। जाओ तुम दोनों और अमरपुर की ओर बढ़ते हुए रथों को रोको। देवी संपत करी, देवी संपत करी। दुर्मद का खड़ग है ये,
इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं।